गाइस 2024 में सबसे बड़ी खुशखबरी आप सबको एक्सिस बैंक दे रहा है, क्योंकि एक्सिस बैंक में सबसे ज्यादा अप्रूवल होने का चांस आ रहा है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड। आप एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो 100% में से 90% चांस रहता है आपको अप्रूवल होने का, और 10% चांस रहता है जो अप्रूवल नहीं होता उनके लिए, 10% इसके लिए क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर कम रहता है, इसके लिए उनका क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं होता है। बाद में आपको लिंक डाल दी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप अप्लाई कर लीजिए, आपको 110% आपको अप्रूवल हो जाएगा। और मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाई भी देता हूँ कैसे अप्रूवल होगा। उससे पहले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ आपको नया नया क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी देता रहता हूँ, तो जरूर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हो महीना का, तो इसके लिए जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ कैशबैक भी मिलेगा, जब क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो आपको 300 रुपए तक कैशबैक भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आपको जो मोबाइल नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे मोबाइल नंबर डालोगे फिर एक ओटीपी आ जाएगा 4G का, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के उसके बाद आपको करना है प्रोसेस और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका नाम पूछा जाएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, उसके बाद आप यहाँ पर सैलरी पर्सन है या क्या है सब कुछ यहाँ पूछे, पिन कोड क्या है, मंथली इनकम क्या है। तो मंथली इनकम में आप ना 20,000 रुपया डाल दीजिएगा, ठीक है, ज्यादा अगर कम भी कमाते तो भी 20,000 ही डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड है या है तो ठीक है, अगर आप यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप नो चॉइस कर लीजिए। जैसे कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तभी आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जब कर देना है कंटिन्यू पे क्लिक, जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे फिर ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा, वेट कर लीजिएगा। उसका फिर से आप करना है कंटिन्यू पे क्लिक दोबारा, उसके बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा एक्सिस बैंक का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का अकाउंट है तो आप यस करोगे, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का अगर नहीं है अकाउंट तो आप नो यहाँ पे करोगे। नो पे क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, पिन कोड, एनुअल इनकम कितना है, एनुअल में आपको यहाँ पर डाल देना है 6 लाख रुपया, ठीक है, तो आप 6 लाख से कम मत डालिएगा। अगर 2 लाख भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन आप 6 लाख ही यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके नीचे में कैप्चर दिख रहा है, कैप्चर आपको डालना है और फिर आपको कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर आपका एज पर आधार यानी आधार कार्ड के ऊपर जो आपका नाम रहेगा नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर आप टाइटल में क्या डालते हो वो टाइटल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मेल हो फीमेल हो वो आपको डाल देना है, और अपने कार्ड के ऊपर क्या नाम रखना है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे कोई ना फर्स्ट नाम रखता है, कोई मिडिल नाम रखता है, जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम यहाँ पर कार्ड के ऊपर रख सकते हो। उसके बाद आपका मदर का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, उसका मैरिड अनमैरिड है, आपको कार्ड कहाँ पर चाहिए, ऑफिस में चाहिए या आपका घर पर चाहिए, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर जैसे आप एड्रेस डाल दोगे फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ये प्रोसेसिंग ले लेगा। अगर कुछ छूटा रहता है वो चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको जो एड्रेस आप डालोगे उसी एड्रेस पे कार्ड आपको प्रोवाइड होने वाला है। तो यहाँ पर अपने घर पे मंगाने वाला हूँ, तो मैं अपने घर का एड्रेस डाला हूँ, आप जहाँ पे मंगाओगे वो आप एड्रेस यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए। कोई अगर गलती होता है तो यहाँ ऊपर में हाईलाइट होता है आपको रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है, आपका अगर सही रहेगा तो ग्रीन कलर का होता हुआ चला जाता है। जैसे कि मेरा नाम देखेंगे तो मेरा नाम आई थिंक कुछ गलत हुआ है, हमको बोला जा रहा है कि नेम ऑन कार्ड यानी इतना बड़ा नहीं लेगा, धर्मेंद्र कुमार में रहने देता हूँ और फिर कर देता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ये आपका फिर हमको बोला जा रहा है कि आप कहाँ इस कार्ड को मंगाना चाहते हैं, यानी ऑफिस में या मैं तो घर पे मंगाना चाहता हूँ। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर आपसे पूछा जाएगा आप सैलरी पर्सन हो, तो आप जो सैलरी पर्सन रहे हो तो आपसे एनुअल इनकम पर मंगा जाएगा, तो एनुअल इनकम पहले बता दिया हूँ 6 लाख प्लस ही डालिएगा, ठीक है, आप जितना भी कमाते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको डालना है सिर्फ 6 लाख से ही। अगर ज़्यादा कमाते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप डाल सकते हैं। अगर आपसे लगता है कि भाई साहब हम ज़्यादा डाल सकते हैं, ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन कम मत डालिएगा, ठीक है, सैलरी मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर बोलता है किस तरीके से आप काम करते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं ऑनलाइन काम के लिए भी यहाँ पर दिया गया। उसके बाद कंपनी का नेम पूछता है, कंपनी का नाम यहाँ पर डाल सकते हो, टर्नओवर डाल सकते हो और टोटल वर्क एक्सपीरियंस पूछ सकते हो, वो भी आप यहाँ पर अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे फिर आपका सामने क्रेडिट कार्ड आपका लिस्ट आपको आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है कि आप अगर जो भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते आप च्वाइस कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मेरे पास न्यू क्रेडिट कार्ड आया है जिसमें आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, जो कार्ड टाइप जो एक्सिस बैंक न्यू मास्टर कार्ड है, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर आगे जब क्लिक करो तो आपको यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा इंडियन ऑयल, रुपए क्रेडिट कार्ड भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो रुपए क्रेडिट कार्ड आज के डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो उसको भी आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर माई जो क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। इसके अलावा जब देखोगे तो और भी क्रेडिट कार्ड दिया गया, जो एक्सेस रिवॉर्ड पॉइंट क्रेडिट कार्ड है इसको भी, इसका ज्वाइनिंग फी भी आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद सैमसंग क्रेडिट कार्ड दिया गया, उसके बाद फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड दिया गया है, तो उसको भी आप यहाँ पर बाई कर सकते हो। यहाँ पर देखिए सब क्रेडिट कार्ड आपको मिल जा रहा है, आपको जो भी क्रेडिट कार्ड चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे हालांकि आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसका ज्वाइनिंग फी भी 500 रुपया दिया जाता है, एनुअल फी भी 500 रुपया दिया जाता है, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पर रुपये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि रुपये क्रेडिट कार्ड बेनिफिट हर से ज़्यादा अभी फिलहाल दिया जा रहा है, इसके लिए यहाँ पर जो है
कर रहा हूँ अभी फिलहाल, मैं रुपये क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ले रहा हूँ, इंडियन मोबाइल क्रेडिट कार्ड, जिसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। इस पर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। इस पर जब टिक लगा दूँ उसका देखिए आपको सामने दिख रहा है सबमिट का। इसका भी देखेंगे तो भाई ज्वाइनिंग फी 500 रुपया लग जाएगा, एनुअल फी भी आपको 500 रुपया है, ठीक है। इसका बेनिफिट मैं बाद में अगर कार्ड में अनबॉक्सिंग करूँ तो उसमें आपको मैं समझा दूंगा कितना क्या लगने वाला है। अभी हम यहाँ पर कर देते हैं सबमिट पर क्लिक। अगर आप देखना चाहते हैं फीचर तो आप फीचर भी देख सकते हो। अब 40 यानी 60 सेकंड का टाइम लगता है, 60 सेकंड में अंदर आपको कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका भी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलो हम वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद अभी मेरा 30 सेकंड हो भी चुका है, 33 सेकंड में आया है, 32 सेकंड, 30 सेकंड, अभी देखो वेट कर लेते हैं। उसके आपको 30 सेकंड के अंदर अप्रूवल आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको KYC, आप वीडियो KYC भी कर सकते हो। तो मैं जो भी काम करने वाला हूँ वीडियो KYC ही करने वाला हूँ, क्योंकि हम तो ब्रांच जाने वाले नहीं है। या तो यहाँ से कोई आप अगर आता है, कोई भी आ सकता है आपको बैंक कर्मचारी, तो वो आपको KYC करके जा सकता है। तो जैसे कि मैं HDFC क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, हमको घर पे आया था KYC करने के लिए, तो आपको फिंगरप्रिंट के थ्रू आपको KYC कंप्लीट होता है और फिर आपको जो है वर्किंग 7 डेज में आप क्रेडिट कार्ड आ जाए। जैसे मेरा HDFC का रुपये क्रेडिट कार्ड आने वाला है तो उसका भी अनबॉक्सिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वेट कीजिएगा, अभी हमको यहाँ पे देखें तो थैंक यू, मेरा सब कुछ हो गया है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अभी आपको वहाँ पे शॉर्टली जो अपडेट आपको आता रहेगा, जो कि SMS के थ्रू आता रहेगा, अगर आप कार्ड अप्रूवल होता है या नहीं होता, वो भी आपको यहाँ पे जो है पूरे SMS की जानकारी के थ्रू आपको पता चलता रहेगा। मतलब अगर वहां से कॉल आता है HDFC बैंक के द्वारा से, तो यहाँ पे देखिए हमको आ चुका है, SMS भी आ गया है, ठीक है। तभी आप KYC करने के लिए आपको यहाँ पर टाइमिंग भी दिया जाएगा, KYC आप कब करोगे, तो उसके लिए आप यहाँ KYC कर लीजिएगा। KYC आप ऑनलाइन कर सकते हो, तो हम वेट करते हैं, जैसे KYC सबका प्रोसेस होगा आपको वो भी दिखा दूंगा बाद में। लेकिन जब तक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहता है, इस तरीके से अपना HDFC का रुपये क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से अच्छा है रुपये क्रेडिट कार्ड, आप इसको अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। लिंक मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।